बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है और आज हम बेसिकली एस्टिमेटर्स पर बात करने वाले हैं। हमने बेसिकली साइकिट-लर्न में पाइपलाइन सीख ली है, हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग सीख ली है, हमने ग्रिड सर्च सीवी सीख ली है। ये तीन चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब हम बेसिकली एस्टिमेटर्स पर जाएंगे और इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली वेट्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि वेट्स कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे रिजल्ट्स को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को डेटा सेट दिखा देता हूँ जो कि मैं यूज़ करूँ। आप गूगल पे जाएं और सिंपली लिखें क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन। ठीक है, अब इस डेटा सेट को मैंने क्या किया, बस सिंपली डाउनलोड कर ली और पैंडा से इसको रीड करवा ली। तो मैं इस तरह का तो अपने वीएस कोड पे जाता हूँ। ओके, सो हम अपने वीएस कोड में आ गए। सबसे पहले आपने वही कन्वेंशन के मुताबिक ये चार लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट कर लेना है। इसको मैं रन कर लेता हूँ। ठीक है, फिर मेरे उसी जहाँ पे मेरी नोटबुक है उधर ही मैंने क्रेडिट कार्ड डॉट सी एस वी डेटा है इसको मैंने रन किया है। थोड़ी देर में रीड कर लेगा। ओके, रीड हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी मैं थोड़ी सी शेप चेक करूँ, लाइक ओके। सो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मेरे पास 284,807 रोज है और 31 कॉलम है, यानी अच्छा खासा डेटा है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, सिंपली एक्स एंड वाई बनाना है। तो एक्स एंड वाई के लिए क्या है, एक्स में जो है सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, वाई में डिपेंडेंट हो यानी आउटपुट हो। तो इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका ये है कि मैं क्या करूँ। अब यहाँ पे आप डेटा सेट को थोड़ा सा पढ़े ना, यहाँ पे इन कॉलम्स को, तो ये V1 से लेके V28 तक ये एनोनिमस है, फिलहाल हम ये कह लेते हैं। और इसमें हम चाहते हैं कि लाइक टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल इसको ड्रॉप कर लेते हैं। और क्लास तो ऑब्वियसली ड्रॉप करनी है क्योंकि ये तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, टारगेट वेरिएबल। अमाउंट भी हम में इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ इन V1 से लेके V28 की बेस पे चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली लिखूंगा एक्स इज इक्वल टू डी एफ डॉट ड्रॉप कॉलम दिस दिस दिस, यानी डी एफ से ड्रॉप कर लो वो कॉलम जिन जिनका नेम या क्लास हो या टाइम हो या अमाउंट हो। ठीक है, ये तीन हम ड्रॉप कर ली। ठीक है, हमारा ये क्या आ जाएगा, इसको रन करने से मेरे पास एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया, मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ कि हाँ अच्छा नजर आए। अब यहाँ पे देखें मैंने क्या लिखा है, वाई में डी एफ डॉट आई लॉक सारी रोज सेलेक्ट कर लो कॉमा, फिर कॉलम की बारी आ गई। कॉलम में मैंने लिखा है कि लास्ट रो सेलेक्ट करो और उसके -1 का बेसिकली मतलब होता है लास्ट से शुरू, और उसके बाद जितने भी हैं वो भी सारे सेलेक्ट करो। तो लास्ट के बाद तो कुछ होता ही नहीं है, तो इससे क्या आ जाएगा, सिर्फ लास्ट वाला हमारे पास आ जाएगा। तो मैं इसको वाई में वो कर लूंगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो वाई है उसकी वैल्यूज काउंट हो, कि लाइक कौन सी क्लास कितनी मरतबा है। ठीक है, तो ये देखें मेरे पास 0 और 1। अब मैं आपको थोड़ा सा डेटा सेट पे समझाता हूँ। ये जो डेटा सेट है ना, इसमें बेसिकली फ्रॉड का डेटा सेट है। इसमें दो चीजें, एक 0 और 1। 0 का मतलब ये फ्रॉड नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, और 1 मीन्स हाँ फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इस डेटा सेट पर थोड़ा फोकस करें तो यहाँ पे 284,315 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वो है, हमारे पास ये फ्रॉड नहीं है, और जो फ्रॉड है वो है 492। यानी हमारा डेटा सेट बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है या डिसबैलेंस्ड है, मतलब जीरोस इतने ज्यादा और वंस इतने कम है। ठीक है, तो इससे हमें एक मसला होगा, अभी मैं वो आपको दिखाता हूँ, आपको मसला खुद बहुत समझ आ जाएगा। और हाँ, जिस तरह मैंने यहाँ पे काउंट किया, मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं वाई को काउंट कर लूँ। तो वाई को काउंट करने का मतलब बड़ा सिंपल तरीका है, मैं देखना चाहता हूँ वंस कितने हैं। तो मेरे पास दो क्लास हैं 0 और 1। 0 को मैं जितनी मरतबा, देखिए जो डॉट्स हम है ना ये बेसिकली सबको ऐड कर देता है। ठीक है, अब मैं 0 को जितनी मरतबा भी ऐड करूँ लाइक कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 तो 0 है। लेकिन इसमें जितने 1 1 केस होंगे, जब वो मैं ऐड करूंगा, अगर मेरे पास 10 1s है तो मेरे पास 10 आ जाएगा, इट मीन्स 10 फ्रॉड केसेस। अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से भी आ गया 492 हमारे पास 1s हैं, यानी 492 हमारे पास यहाँ पे भी देखें फ्रॉड केसेस आ रहे थे। ठीक है, ये सिर्फ आपको बता रहे कि इस तरह भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ लीनियर लीनियर नहीं लीनियर नहीं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन है लॉजिस्टिक, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही, इट मीन्स मैंने वो इम्पोर्ट ही नहीं किए। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम एसक्यूएल डॉट एसक्यूएल से मैंने क्या करना है, एसक्यूएल में मैंने लीनियर मॉडल
डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, मैं कहता हूँ इम्पोर्ट, यस अब यहाँ पे आ जाएगा लॉजिस्टिक, और ये क्यों नहीं आ रहा, इसके इमेज मैंने कर दी इसलिए नहीं आ रहा, मैं लिखता हूँ एस के लर्न, अब आएगा ठीक है, अब मैं लिखता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक हो गया मेरे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन, अब मैं इसको रन करता हूँ मेरे पास रन हो गया यहाँ पे यस, अब मैंने जाना है नीचे, अब मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिखने के लिए मैं लिखता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन ठीक है, इसको यूज करने के लिए मुझे किसी वेरिएबल में इसको देना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो मैं इसको LR में दे देता हूँ और ठीक है इजी ना, फिर मैं लिखता हूँ LR डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट नहीं पहले फिट करना है ना, उसके बाद प्रिडिक्ट की बारी आएगी, तो मैं लिखता हूँ एक्स कॉमा वाई इसमें फिट कर दो, तो ये थोड़ी देर लेगा फिट होने में, हो गया फिट हो गया जी, अब फिट करने के बाद मैं कहता हूँ भाई मेरे लिए एल आर अब इस पर प्रिडिक्शन भी लगाओ, मैं कहता हूँ एल आर डॉट प्रिडिक्ट और एक्स, अब मैं इसको एक वेरिएबल में भी सेव करा देता तो हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिडिक्टेड वाई, ठीक हो गया ये मैंने रन कर लिया, प्रिडिक्शंस आ गई है मेरे पास, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब प्रिडिक्टेड अंडरस्कोर वाई है इसका सम कर लो, डॉट सिम नहीं डॉट सम, ताकि मुझे जिस तरह मैंने वाई डॉट सम किया था तो मुझे पता चल गया था मेरे वंस कितने थे, मेरे पास ओरिजिनल है 492, अब चेक करते प्रिडिक्ट इसने कितने किए, 348, यानी इसने तो बहुत कम प्रिडिक्ट किए, यानी कोई 100 से तकरीबन कोई 150 के करीब करीब इसने प्रिडिक्शंस वन की नहीं है, तो ये तो मसला हो गया, ठीक है ये मसला हुआ क्यों है, ये जो मैंने आपको शुरू में बात बताई है ना कि हमारा डेटा सेट क्या है डिसबैलेंस्ड है, डिसबैलेंस डेटा सेट का यही मसला होता है, उसमें यह होता है हाँ डिसबैलेंस डेटा सेट के अंदर यही प्रॉब्लम होती है, उसमें हमारे पास ये मसला आता है कि अब यहाँ पे क्या हुआ, मॉडल जो है मशीन लर्निंग का मॉडल वो तो डेटा की बेस पे एक कोई भी डेटा होता है उससे पैटर्न देखता है और सीखता है, अब यहाँ पर इसको वंस के कितने पैटर्न मिले थे, अब आप जरा ऊपर जाए ना वैल्यूज काउंट पे, ये देखें इसको जीरोस को पढ़ने के लिए 284,000 सैंपल्स मिले थे कि ये जीरो के मुतालिक सीखता है कि अच्छा ये वाला भी जीरो है ये वाला भी जीरो है, यानी ये वाला भी फ्रॉड नहीं है ये वाला भी फ्रॉड नहीं, और वन के लिए इसके पास 492 थे, वन के लिए इसके पास डेटा ही कम था रीड करने का, ठीक है ना, और दूसरी बात ये हो सकता है कि ये मतलब और भी मसले मसाइल हो सकते हैं, लेकिन देखिए अगर एक बच्चे को एक चीज आप 284 दफा पढ़ाएं और एक चीज 492 दफा पढ़ाएं, तो जहरी बात है किसकी रिजल्ट अच्छा आएगा, जिसको जो जो 284,000 तक पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये तो इस वजह से जब डेटा सेट आपका डिसबैलेंस्ड हो तो उसमें फिर आपको ये मसला आता है कि वो फिर एक को अच्छे तरीके से सीख लेता है दूसरे को उतने अच्छे तरीके से सीख नहीं पाता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वेट्स का, ठीक है वेट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, अब मैं वेट्स का कॉन्सेप्ट लाने के लिए मैं लीनियर रिग्रेशन लिखा है ना जो वेट्स किसके, अब यहाँ पे पहले आप फोकस करें हमारे पास कौन सी क्लासेस है, जीरो है और वन है, जीरो के डेटा बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है और वन पे डेटा बहुत कम पड़ा हुआ है, तो हमें चाहिए कि हम अपने एल्गोरिथम को इस तरह समझाएं कि भाई वन जहाँ पर है उस पर अपना फोकस ज्यादा रखो क्योंकि ऑलरेडी कम है, तो उसके लिए हमें उसका वेट बढ़ाना पड़ेगा, हमें एल्गोरिथम को बताना पड़ेगा कि इस वन की अहमियत ज्यादा है इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ठीक है तो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ क्लास वेट, ठीक है इस ये बेसिकली इसके अंदर डिक्शनरी, अब हमारे पास क्या क्या वो है टारगेट वेरिएबल, एक जीरो है और दूसरा क्या है वन है, ठीक है अब मैं क्लास वेट को कहता हूँ भाई कि जहाँ पे जीरो आए उसको तुम वन इम्पोर्टेंस दो, कहो कि ये वन इम्पोर्टेंस दो, और जहाँ पे वन आए यानी कि फ्रॉड आए उसको तुम ज्यादा इम्पोर्टेंस, उसको तुम डबल इम्पोर्टेंस, उसको तुम टू दो, ठीक है अब देखते हैं हमारे रिजल्ट्स पे क्या फर्क आता है, ये भी कर लिया फिट भी हो जाएगा, फिर उसके बाद ये जरा हो जाए यस, अब मैं इसके बाद प्रिडिक्ट पे, और उसके बाद ये देखें एक्यूरेसी में फर्क आया कि नहीं है, 437 हो गए हैं, ठीक है लेकिन एक मसला है, अब मसला ये कि मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैं चाहूँ यहाँ पे वन, यहाँ पे मैं वन जो फ्रॉड है उसको मैं टू दो इम्पोर्टेंस देने की बजाय उसको मैं थ्री दूँ, फोर दूँ, फाइव दूँ, सिक्स दूँ, मुझे कितने देने चाहिए, मुझे इसका कैसे पता चलेगा, कुछ आइडिया है कि मेरे पास कोई ऐसा तरीका हो कि मैं ढेर सारे उसमें दूं और एक ही दफा बता दे कि भाई बेस्ट ये, वो पता चलेगा ग्रेट सर्च सीवी से,
उसके लिए अब मुझे अपग्रेड सर्च सीवी यूज करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे कोड में चला जाता हूँ। अब यहाँ पे ग्रिड सर्च नहीं आ रहा मेरे पास, इट मींस कि मैंने वो इम्पोर्ट ही नहीं किया। तो मैं जाता हूँ, लिखता हूँ फ्रॉम एसक्यूएल लर्न डॉट मॉल सेलेक्शन इम्पोर्ट ग्रेड सर्च सीवी। ठीक हो गया, ये रहा मैंने करा लिया। ठीक है, अब इस तरह करते हैं, अब इस तरह करते हैं, अब क्या करते हैं, अब इस तरह करते हैं हम के अपनी ग्रेड सर्च सीवी बनाते हैं। तो मैं लिखता हूँ ग्रेड सर्च, ये देखिए मेरे पास फ़ौरन आ गया। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले चीज़ एस्टीमेटर। एस्टीमेटर यानी आपका एस्टीमेटर क्या होगा, आप किसके बेस पे एस्टीमेट कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ भाई मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बेस पे कर रहा हूँ, या मैं केएनएन की बेस पे कर रहा हूँ, या मैं पाइपलाइन को ही डाल सकता हूँ एस्टीमेटर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्लासवर्ड्स नहीं डालने, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे डालने पैराम ग्रिड। पैराम ग्रिड्स मैं पढ़ा चुका हूँ एक दफ़ा, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ कि सपोज मेरे पास, मैंने एल आर में लॉजिस्टिक रिग्रेशन को सेव करा है। ठीक है, मैं कहता हूँ गेट पैराम, ठीक है, मुझे इसके पैरामीटर्स बताओ। तो मेरे पास कितने ज़्यादा पैरामीटर आ गए हैं एल्गोरिथम के, ये भी है, ये भी है, ये भी, चूंकि हमारा काम अभी वेट्स के साथ है, तो मैं क्लास वेट वाले पैरामीटर पे फोकस करूंगा। ठीक हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर जाता हूँ पैराम ग्रिड में, यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ ये लो। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, इस डिक्शनरी में हम बहुत सारा काम करने वाले हैं। मैं यहाँ पे एक लिस्ट दे देता हूँ, क्लास वेट दिया, उसके आगे मैंने लिस्ट का ब्रैकेट बना दी। ठीक है, अब लिस्ट की ब्रैकेट के अंदर हमने जिस वक्त क्लास वेट्स बना रहे थे, तो हमने क्या चीज लिखी थी, आपको याद है हमने क्या किया था, हमने एक सिंपली एक डिक्शनरी बनाई थी। ठीक है, और उसमें हमारे पास जीरो था और एक वन था। जीरो को मैंने कहा था वन वेट दे दो, वन को मैंने कहा था उससे डबल वेट दे दो, यानी जो जीरो है उसको वन इंपॉर्टेंस दो, जो वन है उसको टू, यानी डबल इंपॉर्टेंस दो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी ये काम करूंगा तो मेरे लिए फायदा क्या, मतलब मुझे अगर यहाँ पे मैनुअली चेंज करना है तो फिर मुझे फायदा क्या हुआ। तो इसके लिए हमें एक ऐसा ऐसी चीज पाइथन में सोचनी चाहिए, लाइक जो इटरेशन की तरह बार बार चले। तो कौन सी चीजें, बहुत सिंपल है, लूप्स। लूप्स जो है वो क्या करते हैं, एक नंबर को, मतलब एक रेंज ऑफ नंबर्स आप लूप के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वन दूंगा, टू थ्री दूंगा, फोर दूंगा, फाइव दूंगा, तो फिर फायदा ही कोई नहीं है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे लूप चलाना है, और लूप को एक्सेस करवाने के लिए मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल देना पड़ेगा। मैंने वी दे दिया, या मैं ऐसा कर देता हूँ इसको आई दे देता हूँ, या मैं इसको नंबर दे देता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कहा कि भाई मेरे नंबर बढ़ाते जाओ यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ नंबर। नंबर तो मैंने दे दी, अब मुझे फॉर लूप में भी यही नंबर लगाना है, फॉर नंबर। अब देखें, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूँ अब ये फॉर लूप जो है नंबर चलाएगा। मैं कहता हूँ इन रेंज, मैं कहता हूँ कहाँ तक चले, वन से लेके फोर तक या थ्री तक, वन टू, वन और टू को ट्राई करो, थ्री तक नहीं जाएगा ना, लेकिन ये तो बहुत कम है, क्यों ना मैं ज्यादा दूँ ताकि मेरे पास ज्यादा मार्जिन। मैं कहता हूँ 10, यानी अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चलेगा। तो अब ये क्या होगा, अब लूप पे गौर करें, फॉर नंबर इन रेंज 1 to 10, मैंने कहा नंबर कहाँ तक चले, 1 to 10 तक, और नंबर कहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी अब ये क्या होगा, पहले ये 1 चलेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर 2 चलेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर 3 चलेगा, ये चलता जाएगा। तो मुझे कितना फायदा हो गया, अब देखें एक डिक्शनरी में हमने कितना काम किया। यहाँ से डिक्शनरी स्टार्ट हुई है, इसमें पहले हमने डिक्शनरी का ये क्लास वेट लिखा है, फिर उसका जो वैल्यूज होती है उसमें मैंने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट के अंदर मैंने एक और डिक्शनरी दी है, और उसे कोर डिक्शनरी के अंदर मैंने पूरा फॉर लूप दिया, यानी एक डिक्शनरी में हमने इतना ज्यादा काम किया। ठीक है, तो ये थोड़ा समझने में टाइम लगता है, लेकिन समझ आ जाती है बंदे को। ठीक है, तो हमारा काम हो गया, नहीं अभी भी नहीं हुआ, अभी हमने क्या लिखना है, सीवी इज इक्वल टू 5, यानी क्रॉस वैलिडेशन हमारी क्या आ जाए, 5 5, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ सीवी वाले लेक्चर में। ठीक है, अब मैं इसको यूज करने के लिए किसी न किसी मुझे वेरिएबल में डालना तो पड़ेगा ऐसे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ ग्रिड नाम का वेरिएबल दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको रन किया, मेरे पास मजे से रन हो गया। अब मैं लिखता हूँ ग्रिड डॉट पिट, आई गेस इट वुड टेक टाइम। क्या मैं कह रहा हूँ कि ग्रिड में क्या करो, एक्स एंड वाई फिट करो, और ये सब कुछ खुद करेगा, ये हाइपर पैरामीटर भी 1 से लेके 10 तक चला जाए, 1 से लेके 10 तक किया तो ये टाइम ज्यादा ले लेगा। मैं ऐसा करता हूँ इसको 8 तक कर देता हूँ ताकि टाइम थोड़ा कम ले, इसको दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको फिट एन एक्स एन वाई कर देता हूँ। ठीक है,
वार्निंग शॉर्निंग दे रहे, वो खैर मसला नहीं है, जैसे ही रन होगा तो फिर हम आगे जाते हैं। ओके, से 2 मिनट्स में रन हो गया तकरीबन। अब हम क्या करेंगे, अब हमने फिट तो कर लिया, बस अब हमने सिंपली क्या करना है, कोई एरर दे रहे बार बार, एरर नहीं वार्निंग है बल्कि। ओहो, खैर इतना इशू नहीं है इस वार्निंग का, सिर्फ वो क्या रहा है सैंपल से, कोई इतना इशू नहीं। यहाँ पे अब हमें बता रहे कि मैंने क्या क्या यूज़ किया, पहले कह रहे कि मैंने 0 को 1 वेट दिया था और 1 को 1 वेट दिया था, फिर कह रहे थे मैंने 0 को 1 वेट दिया, फिर 1 को 2 वेट दिए, सब तो जाता गया है, 1 को 7 तक वेट दिया इसने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फिट हो गया मॉडल यानी रेडी हो गया, अब मैंने क्या करना है, मैंने लिखना है ग्रिड डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है। मैं कहता हूँ प्रिडिक्ट एक्स करो, और उसको मैं लिख देता हूँ प्रिडिक्टेड वाई, ठीक हो गया, या पूरा ऐसे आ रहा है तो प्रिडिक्टेड वाई कर देते हैं, ठीक है। अब ये प्रिडिक्टेड हो गया, ठीक है, मेरी प्रिडिक्शंस अब इस वेरिएबल में सेव हो गई हैं। तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं लिखता हूँ प्रिडिक्टेड वाई डॉट सम, ऐसे ही यहाँ पे ज़रा चेक कर लेता हूँ क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए 476 आ गया, ओरिजिनल 492 था, अब कितना आ गया 476, यानी काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गई है। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अपने ग्रिड सर्सरी को चेक करूँ कि क्या उसमें रिजल्ट्स आए, तो मैं सिंपली जाता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखना है, क्योंकि मैंने ग्रिड में वो सेव कराया है तो मुझे वो ग्रिड से यूज मिलेगा, मैं लिखता हूँ ग्रिड डॉट रिजल्ट सीवी रिजल्ट्स, यस। अब इसको मुझे डेटा फ्रेम में प्रिंट कराना है, इस फॉर्म में प्रिंट कराऊंगा तो बड़ा अजीब सा आता है, समझ नहीं आती, तो मैं लिखता हूँ पी डी डॉट डेटा फ्रेम, फिर ये और एंड ये, ठीक हो गया। अब मैं डेटा फ्रेम, ये देखिए मेरे पास मजे से आ गया, मैं इसको ज़रा छोटा करता हूँ ताकि समझ आए क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे देखिए आप, मेरे पास ये जो टेस्ट स्कोर आया है, ओके, इसको यहाँ पे जो बेस्ट आया है मेरे पास, देखिए रैंक टेस्ट स्कोर 1, इस ये भी 1 है और ये भी 1, यानी इन दोनों का बेस्ट स्कोर है। अब ये कौन सा हाइपर पैरामीटर, ये देखें, जहाँ पे 0 को 1 वेट दिया गया और 1 को 4 गुना ज्यादा वेट दिया गया, या फिर 0 को 1 या 1 को 6, ये दोनों मेरे पास बेस्ट रिजल्ट आए हैं। और एक्यूरेसी से भी आप यहाँ पे इन सब चीज़ों से वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रिड सर सी भी बता रही है कि ये सबसे बेस्ट आया है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास आए हैं 476 पॉजिटिव्स या 1 या फ्रॉड केसेस, ठीक है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इन 476 में 476 ही सारे के सारे ठीक ही इसने बताए, यानी हो सकता है कोई 0 और उसने 0 को पकड़ के 1 कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने से कहा था तुम फोकस करो 1 पे, है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो उन सब चीज़ों के लिए हम मैट्रिसेस जो पढ़ते हैं, वो मैट्रिसेस होता है कि हम उसे चेक करते हैं कि भाई बताओ कितने इसमें सही इसने बताएं, कितने गलत बताएं, ये सब चीज़ें हम मैट्रिसेस में पढ़ते हैं। तो ये मैट्रिसेस के लिए बेसिकली ये मैंने सारा प्रोसीजर बताया कि मैट्रिसेस में इस डेटा सेट पे इस पे काम करूंगा, हमने कर लिया, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैट्रिसेस की हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड।